हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदना और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वाला मेकअप लुक जो मैंने अपनी फ्रेंड की वेडिंग पे क्रिएट किया था, मतलब पहन के गई थी। और ये वाला वेडिंग लुक मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको ये लुक पसंद आएगा और आप बहुत ही ईजिली ऐसे ही खूबसूरत आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन में क्लिक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने अपनी स्किन को कर लिया है क्लींजिंग एंड टोनिंग। अब बारी आती है मॉइस्चराइजेशन की। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ निविया का एलोवेरा हाइड्रेशन लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम। ये मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेकअप करने से पहले। ये अपनी स्किन को, आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है और फाउंडेशन को बहुत इजीली ब्लेंड होने में भी मदद करते हैं। मॉइस्चराइजेशन के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। ये प्राइमर हमारी स्किन में मेकअप को बहुत देर तक स्टिक करने के लिए मदद करेगा और मेकअप को बहुत फ्लॉलेस बनाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर म्यूज़िक फ्लावर का आईब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ अपनी आईब्रो को ड्रॉ करने के लिए। मेरा शेड है इसमें ब्राउन, और ब्राउन मेरी स्किन टोन के साथ बहुत ही अच्छा जा रहा है। मैं सिर्फ जहाँ पर ब्लैंक है वहाँ पर ही फिल कर लूँगी। दोनों आईब्रो में आप डिफरेंस देख सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एले गर्ल का प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड फॉन। अब मेरे फेस पे थोड़ी बहुत जगह पर एक्ने मार्क है, तो मैं इसको फिल करने के लिए ये कंसीलर यूज़ कर लूँगी। अपने माउथ एरिया में भी थोड़ा सा डिस्कलरेशन है, अब मैं अपनी फिंगर की मदद से इसको डैप कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं मेरी फेवरेट फिट मी का फाउंडेशन इन दी शेड गोल्डन कैरमल और शेड नंबर 332 फाउंडेशन में अपनी पूरी फेस पे और नेक एरिया पे डॉटिंग मोशन पे लगा लूँगी। पूरी फेस पे इवनली स्प्रेड आउट कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन कैसे अप्लाई किया जाता है उसका भी वीडियो मैंने डाला है, मैं इसका लिंक नीचे दे दूँगी। अब एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से पूरी फेस में डैबिंग मोशन में मैं अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लूँगी। नेक एरिया को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, नहीं तो आपका फेस और नेक का कलर बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। दोनों जगह पर अच्छे से ब्लेंड कीजिए। अब मैं मेबलिन की फिट मी कंसीलर इन दी शेड मीडियम लगा लूँगी अपनी आईलिड पर। आई शेडो लगाने से पहले ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंसीलर आपको हमेशा एक से दो शेड ज़्यादा लाइटर लेना चाहिए। अब सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरा आई शेडो बहुत अच्छे से निखर के आए। कंसीलर को मैं अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूँगी ताकि मेरा आई शेडो ज़्यादा केकी ना दिखे और बहुत फ्लॉलेसली ये अप्लाई हो जाए। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जैकलिन मॉर्फी की आई शेडो पैलेट, जहाँ में से मैं ये लाइट ब्राउन शेड लेके अपनी क्रीज लाइन पर ड्रॉ करूँगी। थोड़े थोड़े अमाउंट में हमें प्रोडक्ट लेना है और अपने आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर के डीप साइड पे हमको अच्छे से ब्लेंड करना है। अब मैं अपनी ड्रेस की मैचिंग पे ये ग्रीन शेड लेकर अपने आउटर व्यू में धीरे धीरे डिपॉजिट करूंगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी डिजायर शेड आने तक। अब एक ब्रश की मदद से मैं कंसीलर लेकर अपने कॉर्नर आईलिड पर एक कट क्रीज ड्रॉ कर लूंगी। दूसरी आई शेडो पैलेट में से एक गोल्डन शिमरी कलर लेके मैं अपने जहां पर कंसीलर लगाया है वहां पर लगा लूंगी। कंसीलर लगाने के बाद ग्लिटरी कोई आई शेडो लगाने से बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाता है और पॉप आउट होकर आता है। अब मैं ग्रीन कलर लेके दोनों आई शेडो के बीच में अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। उसके बाद जो फॉल आउट से उसको क्लीन कर लूंगी। अब मैं कंसीलर लगाऊंगी। मुझे उतनी अंडर आइज़ की प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी क्योंकि ये एक नाइट वेडिंग लुक है तो इसीलिए मैं कंसीलर लगा ली हूँ ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड बो, चिन एरिया, अंडर आइज पे। फोरहेड पर,
जहाँ पर लाइट आती है उसी जगह को हमको हाईलाइट करना है एंड चीक एरिया पर। अब कंसीलर को अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। जिस जिस जगह पर मैंने कंसीलर लगाया है वहां पर कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से सेट कर लूंगी। अब मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन आई शेडो लेके अपनी लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा स्मच कर लूंगी ताकि मेरी आईज थोड़ा सा और इंटेंस और बड़ा दिखे। नेक्स्ट मैं आईलाइनर लगा लूंगी। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ बेला वोस्टे की पेन आईलाइनर। वाटरप्रूफ है, बहुत ही अच्छा है और इसका टिप इतना अच्छा है कि विंग आईलाइनर ड्रॉ करने के लिए बेस्ट है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये मेरी करंट फेवरेट है। नेक्स्ट मैं फेसेस कनाडा की अल्टीमेट फेस पैलेट में से ये ब्रॉन्जर शेड लेके अपनी फेस को ब्रॉन्ज अप कर लूंगी चिक एरिया पर। थोड़े से शार्प फीचर्स लाने के लिए चिक बोन पर, जॉ लाइन पे, टेम्पल ऑफ द हेड पे मैं अच्छे से ब्रॉन्ज अप कर लूंगी। नोज को भी अच्छे से कॉन्ट्योर कर लूंगी ताकि ये थोड़ी शार्प दिखे। अपनी उंगली की मदद से ये कर रही हूँ। नेक्स्ट सेम पैलेट में से ये पिंकी ब्लश लेके मैं अपने एप्पल ऑफ चिक पे दूंगी थोड़ा सा ब्लश आउट करने के लिए। मिस्टेक करके कि आई लव यू टू काजल लेके अपनी वाटर लाइन पे ड्रॉ कर लूँगी। मैं पूरी आईज पे नहीं ड्रॉ करूँगी, 3/4 ऑफ द आईज पे काजल लगाऊंगी। तो मेरा काजल बहुत ज़्यादा स्मच कर जाता है इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लेकर अपनी काजल को अच्छे से स्मज आउट कर लूँगी। तो इससे मेरी काजल स्मज भी नहीं होगा और बहुत देर तक लास्टिंग भी करेगा और स्मज करने की वजह से आईज थोड़ा सा बड़ा दिखेगा क्योंकि मेरी हुडेड आईज है, तो इसीलिए मैं ये ट्रिक अप्लाई करती हूँ। नेक्स्ट मैं कलर बार की मस्कारा लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं कोई फॉल्सेस यूज़ नहीं कर रही हूँ इसीलिए मैं 2 coats अप्लाई करूँगी। अब अपने मेकअप को मैं अच्छे से सेट कर लूँगी एक सेटिंग स्प्रे से। ये DIY सेटिंग स्प्रे है जो मैंने बनाया है। अगर आप जानना चाहते हो ये मैंने कैसे बनाया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइए। बहुत दूर से हमें हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है, पूरा गीला नहीं करना है और मेक श्योर कि आप अपने आईज एरिया को कवर कर लो। इसको आप ऐसे ही सूखने दे सकते हैं नहीं तो ब्यूटी ब्लेंडर से आप थोड़ा सा डैम कर ले। अब बारी आती है हाईलाइटर की। मैं अपनी नोज एरिया पे जितने भी हाईएस्ट पॉइंट है फेस के वहाँ पर हाईलाइटिंग कर लूँगी। ये हाईलाइटिंग पार्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इससे स्किन पे एक ग्लोई लुक आ जाता है। अपनी ब्राउ बोन पर भी हाईलाइटिंग कर लूँगी और ये फेसेस का जो ये हाईलाइटिंग पैलेट है ये बहुत ही अच्छा है। ब्राउ बोन और कॉर्नर ऑफ द आईज को भी नहीं भूलना है। मैं अपने लुक को कंप्लीट करूंगी बेला वोस्टे की इस लिपस्टिक से। ये थोड़ा सा शिमरी ब्राउन शेड में है। इसका शेड नंबर और लिंक मैं आपको दे दूंगी। सो दिस इज माय फाइनल लुक। ये इयररिंग्स मैंने अमेजोन से खरीदी थी। इसका लिंक और रिव्यू मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। साड़ी मैंने यहाँ पर जो पहना है वो लोकल मार्केट से बाई किया है और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए नेक्स्ट टाइम एंड कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के मिलने तक वेट कीजिए एंड तब तक के लिए बाय बाय।